अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सफियान उल हक और आप लोग देख रहे हैं रियल्टर सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में तीन बहुत खूबसूरत हाउस लेके आए हैं जो कि इंतहाई अच्छी लोकेशन के ये हाउस हैं। वीडियो की डिटेल शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा अगर, और ऐसी में वीडियोज़ रोज़ के रोज़ आप लोग के लिए लाते रहता हूँ ताकि आप लोग को आपके पसंद का घर आप लोग को मिल सके। तो दोस्तों, ये पहला हाउस आप लोग देख सकते हैं, ये 40 स्क्वायर यार्ड पर बना हुआ है और डबल बना हुआ है। बेहतरीन टाइल बीम का साफ सुथरा बना हुआ है, कलर भी बिल्कुल न्यू हुआ हुआ है। और एक ये रूम सहन था जिसके अंदर किचन था और ये इसके स्टोर बना हुआ है। उसी के साथ ही ये एक अच्छा खासा बड़ा वॉशरूम बना हुआ है और ये रूम भी है। ये सहन बना हुआ है जिसमें ये ओपन किचन है, बेहतरीन खुला हवादार है और गेट के साथ ही ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। किचन भी आप देखें, बिल्कुल खूबसूरत हवादार और खुल्ला डुल्ला है। ये गेट के साथ ही सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर से आप लोग को दिखाते हैं। और दोस्तों, ये मेरे भांजे का चैनल है, इसको जाके आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करता है और अच्छी वीडियोस बनाता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप लोग को अपना घर सेल करना हो तो इस नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, अपने घर की वीडियो भेजें या हमें बुलाएं, हम आपका घर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे लगाएंगे। अच्छा, ये ऊपर आ गए। ऊपर जैसे कि आपने देखा, ये एक अच्छा खुला सहन है और ये एक रूम आ जाता है, बड़ा बेहतरीन बना हुआ है और आगे हवादार बिल्कुल सहन है। ये इसके साथ अटैच बाथ है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। इसकी लाइट्स ओपन करते हैं और ये देखें, वॉशरूम भी अच्छा खासा बड़ा है। ये पूरा रूम है। तो इसकी डिमांड की बात करें तो 50 लाख इसकी डिमांड है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो कुरंगी 6 और मेन रोड की गली का ये मकान है। नेक्स्ट हाउस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हाउस आप भाई देख सकते हैं, 120 स्क्वायर यार्ड का ये हाउस है, बेहतरीन बना हुआ है। फुल टाइल्स इसके अभी लग रहे हैं दीवारों पे, ऊपर से लेके नीचे तक इसके टाइल्स लगेंगे। और 120 स्क्वायर यार्ड का बना है, ग्राउंड प्लस 2, बेहतरीन बना हुआ है हर चीज़ फर्नीचर। इसकी लोकेशन है लंडी नंबर 4 मेन रोड की गली का है और डिमांड है 160। नेक्स्ट हाउस पे आ गए। नेक्स्ट हाउस आप देख सकते हैं, ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ है और फुल RCC है, बेहतरीन है। इसके अभी अंदर चलते हैं, अंदर से भी आप लोग को विजिट कराते हैं। गली आप देख सकते हैं अच्छी खासी चौड़ी है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर आ गए हैं और ये सबसे पहले एंटर होते ही आप देख सकते हैं राइट पे लेफ्ट पे ये सीढ़ियाँ आ रही हैं ऊपर जाने की, और सामने एक रूम है बड़ा और इसके राइट पे भी एक रूम है। रूम में थोड़ा अंधेरा हो रहा है लाइट्स ना होने की वजह से, तो ये आप लोग एडजस्ट कर लिएगा। ये आप देख सकते हैं अच्छे खासे बड़े बड़े रूम्स हैं। तीन नीचे रूम है, 3 ऊपर रूम है, उससे ऊपर छत है, RCC बना हुआ है। किचन आप देखें कितना खूबसूरत सा किचन है, कैबिनेट वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। नीचे टाइल्स मार्बल लगा हुआ है और दोनों रूम्स के साथ अटैच बाथ है। हर चीज़ फर्निश है, बड़ी फैमिली के लिए बेहतरीन हाउस है ये। और इसके साथ अटैच बाथ देखें आप, बिल्कुल टाइल्स वगैरह सब लगे हुए हैं। और दूसरा वाशरूम भी देखें, इसी तरह खूबसूरत सा बना हुआ है, साफ़ सुथरा। इसके साथ यहाँ पे डक भी दी हुई है। और ये रूम्स देखें आप, साफ़ सुथरे, बिल्कुल नीचे टाइल्स लगे हुए हैं। अभी ऊपर भी जाते हैं तो ऊपर का भी आपको विजिट कराते हैं। ऊपर ये हम चलते हैं तो सीढ़ियाँ देखें, सीढ़ियों पे भी मार्बल लगा हुआ है और यहाँ से विंडो भी आपको मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। ये RCC की जीना बना हुआ है और ये यहाँ से भी ऊपर जाते हैं तो राइट पे ही एक रूम आता है और सामने एक रूम है। ऊपर भी 3 रूम बने हुए हैं, इधर भी टाइल्स लगे हुए हैं, विंडो आप देख सकते हैं, बेहतरीन हवादार है ये घर। इसकी हम लोकेशन की बात करें तो 6 नंबर पे ये मकान है और 80 गज का ये मकान है। ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ और होल सेल मार्केट के पास है, रोड के करीब है, अच्छी लोकेशन है। तो ये इधर जाते हैं, रूम के साथ ही एक गैली नुमा बना हुआ है, यहाँ पे वॉशरूम भी बना हुआ है। अंधेरा है इस वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। तो ये हाउस आप देख सकते हैं, बेहतरीन है। काइंडली आप लोग को समझ में आता है तो नीचे दिए गए नंबर पर रابطہ करें विज़िट के लिए। पहले से आप लोग बता दिएगा
तो इंशाल्लाह आप लोग को विज़िट करा देंगे। ऊपर भी किचन बना हुआ है, इससे ऊपर जाते हैं हम तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी विंडो लगी हुई हैं, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा टाइल्स लगे हुए हैं। इधर से ऊपर जाते हैं तो ये छत आ जाती है, भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी बड़ी खुली छत है, हवादार है। यहाँ पे भी एक रूम टाइप बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो यार लाइक ज़रूर कर दिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।